Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Roshan Sai Study Point. Today I will explain you class 11 snapshot book chapter number 2, The Address, jiski author hai Marga Minko. जो मार्गा मिनको है वो बिलोंग करती है हॉलैंड जर्मनी से. ये जो स्टोरी है एक ऑटोबायोग्राफी है, तो एक रियल लाइफ पे बेस्ड है, रियल स्टोरी है. तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक एड्रेस पे जाती है और डोर नॉक करती है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को लेने के लिए, जो उनकी यादें होती हैं, जो उनकी चीज़ें होती हैं उनको लेने के लिए. तो वो नॉक करती है तो सामने से एक लेडी आती है, तो वो उनसे बातें करती है. तो वो लेडी कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो, तुम किस लिए यहाँ पर आई हो. तो जो ऑथर होती है उनको थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा बुरा लगता है कि ये ऐसे बोल रही है, नहीं जानती. फिर उनके मन में ख्याल आता है शायद मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गई हूँ. बट नहीं, जब वो उस लेडी को देखती है, उसने जो ड्रेस वेयरिंग की होती है, जो ग्रीन हीटेड स्वेटर होता है जो उन्होंने वो पहना होता है, वो उनकी मॉम का ही होता है. तो वो फिर उनको याद दिलाने की कोशिश करती है, तो जो सामने लेडी होती है वो बोलती है अच्छा तो तुम वही हो. तो फिर वो लेडी बोलती है कि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि शायद तुम्हारी फैमिली में से वहाँ पर जाने के बाद कोई सर्वाइव कर पाएगा. फिर जो ऑथर होती है उनसे अपने मदर की बिलोंगिंग्स की बात करती है, बट वो कहती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो डोर बंद कर लेती है और चली जाती है. तो ऑथर को थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, बट वो वापस जाती है. तो जैसे ही वो अपने स्टेशन में पहुंचती है तो वो अपनी जो पुरानी चीज़ें होती हैं अपने मॉम के टाइम की, उनको याद करती है. तो वो देखती है कि उनके घर से अचानक से जो सामान है, जब ऑथर छोटी होती है तो अचानक से उनके घर के जो सामान है वो धीरे धीरे कम हो रहे होते हैं. तो वो ये बात नोटिस करते ही अपनी मॉम से पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मेरे कमरे की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. तो उनकी मॉम देखती है कि उनकी जो डॉटर है उन्होंने काफ़ी जल्दी ही ये सारी जो चीज़ें कम हो रही है उसको नोटिस कर लिया है. तो उन्हें बताती है कि मुझे लगता है कि शायद हम भी, तो जो ऑथर की मॉम है उन्हें बताती है कि शायद उन्हें भी, उनकी पूरी फैमिली को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाना पड़ेगा. अभी कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो होता था जहाँ पे जो हिटलर के जो काम करने वाले होते हैं वो लोगों को पकड़ के रखते थे और उनके साथ बहुत बुरी चीज़ें करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे. ऑथर ये भी नोटिस करती है कि कुछ दिनों से उनके घर पे एक लेडी आती जाती है जो काफ़ी फ्रैंक थी उनकी मदर से, और उनकी मदर को भी उन पर इतना बिलीव हो गया था कि उन्होंने अपनी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं उन्हीं को दे दी थी. तो एक दिन वो उन दोनों को मिलवाती हैं, तो जो लेडी होती है वो मिसेस डॉर्लिंग होती है, जिनसे अभी प्रेजेंट में जो ऑथर है मिलके आई होती है और जिन्होंने मना कर दिया होता है कि उनके पास कोई भी बिलोंगिंग्स नहीं है. फिर ऑथर वापस प्रेजेंट में आती है, वो अपने एक अपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर वो रेंट में रहती है. फिर वो काफ़ी सोचती है तो रिग्रेट करती है कि नहीं, वो मेरी मॉम की चीज़ें हैं, वो मैं उनको ऐसे ही लेने नहीं दे सकती, उनकी बिलोंगिंग्स हैं. मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि ये सारी चीज़ें मैं वापस लेकर आऊँ, इसी वजह से उन्होंने उनको एक एड्रेस ही बताया था जिस एड्रेस पर अभी वो गई थी, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46. तो फिर ऑथर एक बार दोबारा जो होते मिस्टर डॉर्लिंग के यहाँ पर विजिट करती हैं, लेकिन इस बार उनकी डॉटर वहाँ होती है, मिसेस डॉर्लिंग नहीं होती. तो उनकी डॉटर जो होती है वो ऑथर का वेलकम करती है, उन्हें अपने घर में लेकर आती है, उन्हें बताती है कि मेरी मॉम अभी कहीं गई हुई है, वो उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो वो उनको ऑथर को अंदर बिठाती है और उनसे पूछती है कि मैं अपनी मॉम के लिए चाय बना रही हूँ, क्या तुम भी चाय लेना पसंद करोगी. तो ऑथर बोलती है ऑफकोर्स, तो वो जाती है. तो ऑथर देखती है, जो वो वहाँ नोटिस करती है जो टेबल पे जो टेबल क्लोथ रखा होता है वो उन्हीं का होता है जो कि पास्ट में वो और उनकी मॉम यूज़ किया करती थी. फिर वो बहुत सारी ग्रॉसरीज की चीज़ें देखती हैं, जब उनको फिर पास्ट की बात याद आती है कि एक दिन ऑथर बहुत बीमार होती है, वो स्कूल नहीं जाती, तो घर पे उनकी मॉम उन्हीं को वॉश करने के लिए बोलती है. इतने में ही प्रेजेंट में मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर आती है और वो उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है, मजाक करने की कोशिश करती है, बट ऑथर को उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं होता. वो बस इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचती है कि जो उनकी मॉम की बिलोंगिंग्स थी, जो हमारी यादें उन सब चीज़ों के साथ जुड़ी हुई थी, अब सब ख़त्म हो चुकी हैं. तो वो उठती है और बाहर की तरफ जाने लग जाती है. इतने में मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर बोलती हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, मॉम आती होंगी तो तुम उनसे मिल कर जाना. बट वो उस बात का जवाब नहीं देती और बाहर की तरफ चली जाती है. जैसे ही बाहर जाती है उसी टाइम मिसेस डॉर्लिंग भी आ चुकी होती है,
बट वो उनको कुछ नहीं कहती और वो वापस आ जाती है। फिर स्टेशन पे खड़े होके जब वो वापस जाने वाली होती है तो यही सोच रही होती है कि जो भी यादें, जितनी भी यादें मेरी और मेरी मॉम की उन सब चीज़ों के साथ थी, अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बीच में इसका यूज़ अलग लोगों ने भी किया है, जिसको अब उनकी ऐसी हालत रह ही नहीं चुकी है जो पहले हुआ करती थी उनकी और उनके मॉम के टाइम में, जिस वजह से ऑथर उस बिलोंगिंग्स को लेने के बारे में भूल जाती है। और जो एड्रेस होता है मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46, वो उसको भी अपने दिमाग से बिल्कुल निकालने की कोशिश करती है और अपनी मॉम की बिलोंगिंग्स को भूल जाती है। यही सारी चीज़ें स्टोरी में थी। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। आपको अगर मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, या कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो आप फिर भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।